उसके बाद जब कर्नाटक की बात हो रही है, फिर यूपी की बात हो रही है, बिहार की बात हो रही है, देखिए क्या लग रहा है बस? अब ये है कि बातों बातों में क्या क्या बातें लोग कर रहे हैं। बीजेपी हमेशा इस तरह के प्रयोग करती रही है। हमें आपको इस बात के लिए सोचना चाहिए कि बीजेपी जो हमेशा ये बात कहती थी कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, क्या पार्टियों को तोड़ना भ्रष्टाचार नहीं है? विधायकों को किस तरह का लाभ दिखा करके अपने साथ लाया जा रहा है? क्या पद देने की बात कह करके, उन्हें सपने दिखा करके, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये लगातार लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए, और जनता जो जनादेश देती है उसका अपमान करने का काम अगर कोई करता है, भारत की राजनीति में अगर किसी ने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तोड़ा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और लगातार इस तरह का प्रयास वो करते रहते हैं, लेकिन जनता समझ गई है। इस तरह की चीज़ें कई बार बूमरैंग करती हैं, बूमरैंग कर करके आप देखना कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। मैं लखनऊ से चला हूँ, अयोध्या जा रहा हूँ, मैं गड्ढे नहीं गिन सकता था। इतने गड्ढे हैं सड़क पे कि गड्ढे नहीं गिने जा सकते हैं। सरकार ये कहेगी कि हम इसके लिए अलग से रिकार्पेटिंग के लिए पैसा दे देंगे, बजट दे देंगे। जिस गति से विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी और चरम सीमा पर अन्याय, खुलेआम लूट, शायद पहली बार ऐसा किसी ने देखा होगा कि इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ा हो। क्या जनता बिजली का नाना भूल जाएगी? क्या जनता बिजली का बिल जब देती है वो भूल जाएगी? गैस का सिलेंडर जो महंगा खरीदना पड़ रहा है वो भूल जाएगी? जो दालों की कीमत है, जो रिफाइंड तेल की कीमत है, और बड़े पैमाने पे लोग बेरोजगार हैं, तो ये बातें भूलने वाले नहीं हैं। ये जोड़ तोड़ कितनी भी कर लें, अंतोगत्वा इन्हें जाना है। और जब जनता ने मन बना लिया, ये कितने भी एक्सपेरिमेंट करें वो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं होंगे। देखिए मुकाबले का सवाल नहीं है, मुकाबले का वो अभी बता देंगे, मुकाबले का सवाल नहीं है। ये विपक्षी पार्टियां वो हैं मुकाबला कर रही हैं। मैं कल ही दक्षिण भारत में था, इससे पहले भी बहुत सारे लीडर्स से मैं मिला हूं। आप एक एक प्रदेश का अगर आकलन करेंगे, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं, और मुश्किलें आपने देखी होंगी कैसी बड़ी हैं। अभी योगा दिवस था, आपने पूरी सरकार को डगमगाते देखा होगा, हिलते डुलते देखा होगा योगा में, तो ये बात कौन नहीं भूल, कोई भूल जाएगा? अरे ये जो बात इधर से आ रही थी, हालांकि मैं ये देखिए न्यूज़ 18 का काम ये है कि कुछ बीजेपी के लिए दूसरे दलों से काम लेते रहना। अभी तक तो एंकर चैनल वो लोग काम करते थे बीजेपी के लिए, अब उन्होंने एक रास्ता ये भी अपनाया है, अपना टीवी चैनल हो और उसके माध्यम से एक नेता भी कोई मिल जाए, दूसरा नेता मिल जाए। मैं इतना ही कहूँगा उनसे कि वो ज़्यादा ना बोलें, ना एक दो तीन के बाद गिनती अपने विधायकों की नहीं कर पाएंगे। 24 में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी और सहयोगी दलों की होने जा रही है, और इसलिए हम आप सब घाघरा के किनारे खड़े हैं। किसी दिशा में आप चले जाएं, किसी किसान की आय दोगुनी हो तो बताओ, मुझे नहीं पता कि सरयू नदी का कितना पानी पवित्र है, पवित्र मानते हैं हम लोग। गंगा माँ गंगा की कसम खा करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। क्या किसी किसान की आय दोगुनी हुई होगी? यहाँ ये भी सरयू का किनारा है, आप किस दिशा में जाकर के बताओगे हमें कि किसानों की आय दोगुनी हो गई? देखिए जो अच्छा चेहरा होगा वो समाजवादी पार्टी लड़ाएगी, जो मजबूत होगा वो समाजवादी पार्टी लड़ाएगी।
अयोध्या में है, क्या राम दर्शन करेंगे रामलला का? देखो तुम कैसी बातें करते हो, कितनी बार बोलता हूँ, हर अगर राम की धरती वाले लोग और खासकर अयोध्या के हमारे पत्रकार ये बात भूल जाएं कि मैं अयोध्या में आकर के क्या कहता हूँ। मैंने हमेशा वही कहा कि हम लोग जब पूरा निर्माण हो जाएगा तो दर्शन क्यों करने का नहीं आएंगे, और फिर हम तो आपसे भी कहेंगे हमारा भी मंदिर है उसका भी दर्शन कराएंगे आपको। अगर आप हमें दर्शन कराने के लिए बुला रहे हो तो हम भी आपको न्योता देंगे और अपने नेताओं से कहेंगे सबके फोन नंबर एड्रेस व्हाट्सएप नंबर याद रखना, हमारे भी मंदिर दर्शन में आप लोग आना। क्या मुद्दा? 2024 के पहले महाराष्ट्र वाली घटना और दोहराई जा सकती है और प्रदेशों में? देखिए उलझो मत इसमें, हमें आपको ये सोचना चाहिए कि जो मुनाफा हो रहा है महंगाई के कारण वो किसकी जेब में जा रहा है, और क्या वजह है कि बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट मीट के बाद भी कोई उद्योगपति उत्तर प्रदेश नहीं आया, कारखाना नहीं लग रहा है, आखिरकार वो कारण क्या है? और फिर जिस बात को प्रधानमंत्री ने कहा हो कि छुट्टा जानवर ख़त्म कर देंगे, लखनऊ से आप अयोध्या चले जाओ, अयोध्या से गोरखपुर, गोरखपुर से देवरिया और आगे हिस्से में चले जाओ, बताओ ट्रैफिक का इंतज़ाम कुछ लोग नहीं संभाल रहे सड़कों पर, जानवर संभाल रहे हैं। बड़े दुख की बात है, $1 trillion इकोनॉमी का सपना दिखाने वाले सड़क से जानवर नहीं हटा पा रहे। अब होगी वहाँ पर जहाँ पर आपने सरकार को डगमगाते देखा है 24 के बाद, वही होगी जहाँ की आप बता रहे हो बात। कोई विपक्ष को झटका नहीं लगने वाला है, विपक्ष जो है और विपक्ष अपनी अपनी जगह मजबूत है, ये याद रखिए, विपक्ष अपनी अपनी जगह बहुत मजबूती से लड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ। विपक्ष बिहार के बाद जो है बेंगलोर में बैठक करने जा रहा है, क्या कहेंगे सर? तुम कैसी बातें करते हो आप, आपको कोई अलग से संपर्क जुड़ा हुआ है किसी योगी किसे जो आपको अलग से सूचना मिलती हो?